जो सीमा ने कहा है कि वहाँ औरतों के ऊपर ये हो रहा है, वो तो हमने रिसेंटली ही देखा वहाँ पे, जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई थी, कैसे घसीट के लेकर जा रहे थे वो औरतों को। रॉ हमारी रॉ एजेंसीज जो है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अच्छा वो इतनी बेकार है। वो एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हैं, उसको बोलेंगे तुम ऐसे प्लान करो, और उनके इंटरव्यू से ये मालूम होता है कि वो बहुत चालाक है, चतुर है। किसी ने अपने दीन को छोड़ा या इस मजहब को छोड़ा तो उसको बहुत नाम देते हैं, मुर्तद कहते हैं, नॉन काफिर कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। ठीक है, तुमने उसने छोड़ा तो छोड़ा, प्रैक्टिकलिटी होना जरूर। मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, एजेंट नहीं है, इसी पर्पज से आई है, तो दैट मीन्स अगर ये वापस पाकिस्तान जाएंगी तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट, अगर आप सोचिए यहाँ से कोई लड़की पाकिस्तान गई होती इस तरीके से इलीगली, वो उसका नामो निशान नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि उस देश का तो हमें पता ही है, वहाँ का बेड़ा गर्क है। इस तरीके से कोई हमारे देश में एंटर होता है और हमारी सिक्योरिटी को कानों कान खबर नहीं होती है, ये एक सवालिया निशान है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा जो पाकिस्तान के लोग हैं, बहुत बहुत तेज हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है अच्छे से कि आजकल हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। अब वो पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान के अंदर आ गई, इनलीगल तरीके से आ गई है। ये अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी का भी मसला है। हाँ भाई हाँ। अब इस मसले को किस नजरिए से देखे, या तो इसको प्यार के नजरिए से देखे या फिर भारत की सिक्योरिटी के मसले के नजरिए से देखे। गुड क्वेश्चन। तो मेरे साथ में आज कश्मीर से अनिका नजीर जी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमें फख्र है इस पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, एंड बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब भी बात होती है अलग अलग मौजू पे, एंड थैंक यू सो मच फिर से बुलाने के लिए अपने चैनल पे। जैसा कि आप समझ गए होंगे, मैंने इंट्रो दिया है सीमा हैदर के बारे में। आजकल हमारे हिंदुस्तान में इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। पहले एक ज़माने में एक एड आता था, अगर आपने कभी सुना हो तो, क्या चल रहा है, तो आंसर आता था फोक चल रहा है। आजकल अगर किसी से पूछा जाए हिंदुस्तान में क्या चल रहा है तो बोला सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, और सचिन की लव स्टोरी चल रही है। तो आप इस मुद्दे को, जैसे कि वो पाकिस्तान से आ गई है, नेपाल तक तो वो लीगली तरीके से आई, लेकिन हिंदुस्तान में उसने एंट्री इनलीगल तरीके से की। एक तरफ तो उसने जो भारत के कानून की धज्जियाँ उड़ाई, मजाक बनाया और गलत तरीके से इंडिया में आ गई। अगर दूसरी तरीके से, दूसरी तरफ से अगर इसको देखा जाए कि भाई अपने प्यार के खातिर वो सारी तमाम हदें पार करके हिंदुस्तान में आ गई, तो दोनों मौजू पे आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि कौन सा मौजू सही बैठता है और उसको किस नजरिए से देखना चाहिए, और यह हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए कितना मसला है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा जो पाकिस्तान के लोग हैं, बहुत बहुत तेज हो रहे हैं जी। ठीक है, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि अपनी सिक्योरिटी इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं, तो किसी भी तरीके से घुस जाओ और सिटीजनशिप हासिल कर लो। ठीक है, तो अब आपने पूछा कि नेपाल तक वो लीगली आई है, अब वो पाकिस्तान से कैसे निकली, दुबई कैसे गई और नेपाल कैसे, उसके साथ हमारा लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन वो इंडिया में इलीगली आई। और ये इस पर मैं, हम ऐसे लोग हैं कि जो देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई हमारे देश में एंटर होता है और हमारी सिक्योरिटी को कानों कान खबर नहीं होती है, ये एक सवालिया निशान है हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के ऊपर, कि कोई ऐसे, और वो भी अकेले नहीं है, वो 4 बच्चों के साथ आई है, तो किसी को, किसी ने देखा नहीं, किसी ने चेक नहीं किया कि कैसे। और दूसरी बात, प्यार को हम एक मिनट के लिए साइड में रखें, कहीं इंडोनेशिया से नहीं आई है कोई, हमारे यहाँ कश्मीर में लड़कों की शादी इंडोनेशिया में हुई है, बाकी देशों में हुई है, हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी शादी हुई और वो आए हैं इंडिया में और यहाँ अपनी सिटीजनशिप हासिल की है। लेकिन ये जो आया है इंसान, ये उस देश से आया है जिनकी तरफ से हमेशा हमले होते रहते हैं हमारे मुल्क पे, तो हर जगह से उस मुल्क से किसी इंसान का इलीगली इस तरीके से आना, ये एक सवालिया निशान तो खड़ा करता है। इसको हम मजाक में नहीं उड़ा सकते या इसको हम लेट गो नहीं कर सकते हैं। जरूर इस पर बात तो होगी ही और अलग अलग लोग अपने अपने विचार रखेंगे, तो सबसे पहली चीज तो हमें यही, हमारी मतलब मेरी एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट से क्वेश्चन है कि आपने देखा नहीं कि इतने, ये 4 बच्चे और एक औरत आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है और ये कहाँ जा रहे हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, वो हिंदुस्तान में 1 महीने से रह रही थी, वो तो पकड़ी तब गई जब 1 महीने से आपको पता ही नहीं चल रहा है, हमारे हर गाँव में, हर गाँव में हर नाके पे एक थाना है, आपको पता नहीं है कि एक फैमिली आई है पूरी रहने के लिए, एंड आपको कोई चीज उसकी आपको 1 महीने के बाद पता चलता है।
एंड दूसरी चीज की ऐसी घटनाएं एक इससे पहले भी एक हो चुकी है जिसमें हमारे देश में एक पॉलिटिशियन उसमें मुलाविस थे। अब ये और अगर इन ही घटनाओं का ट्रेंड सेट होने लगा, मैं कह रही हूँ कुछ ही टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा कि और भी आ रहे हैं, क्योंकि उस देश का तो हमें पता ही है, वहां का बेड़ा गर्क है, तो वहां के लोग ऐसे आते रहेंगे। हमारे लोग में अपने लोग नहीं है, हमें उनके मुस्तकबिल का नहीं सोचना है जो हम वहां से लोगों को ला कर यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे और अपने देश में उनको रखेंगे। अब बहुत सारे लोग इसको हिंदू मुस्लिम अगेन उसी प्रस्पेक्टिव से देखते हैं, वो उस प्रस्पेक्टिव से आगे बढ़ते ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं। इंडोनेशिया से हमारे मुल्क में शादियां हुई है लोगों की जो यहाँ पे रह रहे हैं, हम उन्हें अपनी भाभी की तरह वो सम्मान देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, बट उस कंट्री से आना इनका, आप देखिए ना अभी अभी कल जब से इनका पता चला है 50 इंटरव्यू आ चुके हैं इनके, और कितने 50 में 50 बयान बदल चुके हैं। कभी मेरा भाई आर्मी में है, कभी मैं यहाँ रहती हूँ, कभी मैं वहां हूँ ऑलरेडी, एंड 4 बच्चे, दिस इज नॉट समथिंग जो जिसको हम ऐसे ही उड़ा, मतलब लेट गो नहीं कर सकते इस चीज को। जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है कि उनके मतलब उनके उपस्थिति के अंदर एक लड़की आ जाती है, 4 बच्चों को लेकर चली जाती है, और एक महीने बाद पकड़ी जाती है, वो भी इन्फॉर्म करने के बाद में, वो भी किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा। अब तो खैर उनकी जमानत हो गई है, और अगर वो लीगली तरीके से आती तो शायद हिंदुस्तान में उसको और कहीं ज़्यादा इज्जत भी मिलती और सम्मान भी मिलता। खैर अभी तो जांच चल रही है इसके ऊपर, तो आप और मैं तो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इस पर अगर आपसे दूसरे नज़रिए से पूछूं कि एक वो भी एक लड़का और लड़की पबजी पे मिलते हैं, प्यार करते हैं, और सरोदो मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो दुनिया के अंदर सबसे, अगर 36 का आंकड़ा कहिए तो इन दोनों बॉर्डर पर ही है, वहाँ की लड़की और हिंदुस्तान आ जाती है घर बेच के, परिवार बेच के, 2-4 बच्चे लेके अपने, और तो ये एक डेरिंग नहीं, मतलब इसको डेरिंग तरीके भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई बंदी बहादुर थी, हिम्मत वाली थी। अगर ये जासूस नहीं है या पाकिस्तान की तरफ से प्लांट नहीं है, एक होनेस्ट लेडी है, तो ये नजरिए पे क्या बोलना चाहेंगे आप? अब देखिए जब इस चीज की बात आती है, हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पीपल आर फ्री टू चूज देयर पार्टनर्स, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, एक तो एक महीने से इलीगली इंडिया में रह रही है 4 बच्चों के साथ, दूसरी देखिए विद इन नो टाइम बेल भी मिल गई इनको। और जो ये लोग कहते हैं कि इंडिया में ऐसे है वैसे है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना जो भी कहते हैं, उनको ये देखना चाहिए। अगर आप सोचिए यहाँ से कोई लड़की पाकिस्तान गई होती इस तरीके से इलीगली, वो जी, उसका नामो निशान नहीं होता वहां पे, बिल्कुल गायब, मिलता ही पता ही नहीं चलता कभी कि वो वहां भी गई थी। और दूसरा आप कह रहे हैं कि पबजी, आप खुद सोचिए हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, पबजी पे आप मिले और आपको प्यार होगा, घर भेज कर आ गए, इश्क तो कुछ भी करा सकता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए हमने बहुत स्टोरीज देखी है या बहुत सारे सुने भी होंगे किससे, लेकिन अब जिंदगी दिन ब दिन प्रैक्टिकल होती जा रही है। पबजी पे आप उठ के आ गए और किसी के साथ उसके घर में रह रहे हैं। पता हो तो मैं बताऊं, वो पहले एक बार मिल चुके हैं, पहले नेपाल तक आई है, नेपाल में दोनों मिले हैं, 7 दिन घूमे, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान वापस चली गई। उस वक्त वो बच्चों के साथ नहीं आई थी, उस वक्त वो अकेली आई थी, और फिर उसके बाद वापस से दोबारा से आइए तो बच्चों को लेके आइए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मुझे ये कोई हक नहीं बनता है कि मैं किसी को बताऊं कि आपको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अब वो एक इंडिविजुअल ही नहीं है सीमा, वो 4 बच्चों की माँ भी है और एक हस्बैंड के साथ, एक हस्बैंड भी है उनका, ठीक है, एक निकाह में है हस्बैंड, वो सऊदी में, उसका उनका कहना है कि वो वहां कमा रहे हैं, मैं बच्चों को भेज रहा था। और अच्छा दूसरा इंटरव्यू ये आया और जहां वो रहती थी पाकिस्तान में, वहां से बीबीसी का एक इंटरव्यू आया और उन्होंने दिखाया उनका घर वहां पे और कहा कि मैं जहां वो रहती थी, उनके लैंडलॉर्ड ने कहा कि हर महीने इसका हस्बैंड जो है वो 50-60 हज़ार रुपए भेजता था एंड ये मुझे किराया वगैरह भी देते और अपने खर्चे भी चलाती थी। एंड देन अचानक से जब इंटरनेट वहां पे डाउन हुआ इमरान खान के टाइम पे, और उसी वक्त से वो उन्होंने कहा है कि मैं गांव जा रही हूँ अपने और वहां से निकल चुकी बच्चों के साथ। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मैं उसको नहीं जज कर सकती कि तुमने क्या किया कि, बट ये दो देशों, ये विद इन द कंट्री नहीं है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप गए हो या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में आप गए हो। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है।
तो मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को, मैं नेशनल इंटरेस्ट को दूसरे देश के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को लाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. बिल्कुल, अब बात समझ रहे, नहीं कर सकते उसको कॉम्प्रोमाइज. आप अच्छा, जब चार बच्चों को लेकर आ गई, आप एक उस, आपको तलाक भी देना है, यू आर फ्री टू डू दैट. मगर बच्चे दे हैव, अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि अब आपको कल को कोई और आ जाएगा, ठीक है आपको प्यार हो जाता आप आ चले आते हो, जैसे साथ में पीछे एक फैमिली लेकर आते हो. ऐसा नहीं है ना कि हम सबको यहाँ पर सिटीजनशिप देते फिरेंगे. जी, हमारे अपने बच्चे हैं यहाँ इंडिया में, उनका मुस्तकबिल सोचे या आप जो ला रहे हैं वहाँ से उनके बारे में सोचे, तो फिर उस मुल्क में हो क्या रहा है, तो ये भी देखना है दूसरी चीज. अच्छा, मेरे को एक सवाल और पूछना था आपसे इसी से रिलेटेड, क्योंकि आप मुस्लिम भी है और आपको मुस्लिम के कायदे कानून भी अच्छी तरह पता है, वो भी मुस्लिम है. अब वो कहती है कि अगर मेरा पति से तलाक हो चुका है और मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, चाहे मैं हिंदुस्तान की जेल में रहूंगी, और मैं पाकिस्तान चली गई तो मैं मारी भी जाऊंगी और वो लोग मुझे मार देंगे क्योंकि मैं बलूच कौम से हूँ और वहाँ पर यही चलता है, अगर कोई लड़की अगर ऐसा करती है तो उसको मार दिया जाता है. और मैंने आज भी एक वीडियो देखा, उसमें पाकिस्तानी एक मुफ्ती ने तो फतवा भी जारी कर दिया उसको मारने का, और मैंने कुछ रिव्यू भी देखे, पाकिस्तानी रिव्यू भी देखे, डाकुओं ने धमकी दी है उसको, वो भी सभी कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान में जिंदा आई तो हम उसको मार देंगे, काट देंगे. तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप पाकिस्तान को काफ़ी क्लोजली भी अच्छे तरीके से जानती है, क्लोजली जानती है, तो आपको क्या लगता है कि ये लड़की जो बोल रही है वाकई में इसके साथ वैसा हो सकता है वहाँ जाने के बाद में? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में मुझे कोई दोराय नहीं है कि अगर ये सिर्फ इस मकसद से आई है, सचिन के लिए आई है, उनके साथ इन्होंने शादी की है और उसी पर्पज से ही आई है, कोई जासूस नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, इसी पर्पज से आई है, तो दैट मींस अगर ये वापस पाकिस्तान जाएंगी तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन है. कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें, कोई दो राय नहीं है कि इसको जिंदा छोड़ा जाएगा. जी जी जी, और ये खुद भी यही बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान की जेल में रह लूंगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी. क्योंकि पता है वो वहां रही है और उनका तो पैटर्न ही यही है कि आप मुंह उठा के किसी भी वहां पे औरतों के स्टेटस का, तो हमें देखिए वहां के देखिए क्राइम्स हर जगह होते हैं, इंडिया में बहुत क्राइम्स होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, लेकिन जुडिशरी भी एक चीज है, बाकी सब चीजें भी है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उठा के अब किसी को उठाकर ले जाएगा, और वो पैटर्न नहीं है, क्राइम्स होते हैं, हमारी सोसाइटी का वो पैटर्न नहीं है. अगर कोई किसी को छेड़ रहा है तो चार लोग आके उसको देख लेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, वहाँ ऐसा नहीं है. तो जाहिर सी बात, वो जो कह रही है कि अगर इस पैटर्न से वो आई तो जाहिर सी बात है उसका वहाँ जिंदा बचना मुश्किल क्या नामुमकिन है. तो ये तो क्लियर कट 110% कि यहाँ से वो जाएगी उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा. जी, और पाकिस्तानी तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि अगर वो वहाँ अगर सचिन से उसने प्यार किया है और वो हिंदुस्तान चली गई, उस तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको ये है कि वो मुसलमान होकर उसने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली और हिंदू धर्म भी अपना लिया, इससे उन लोगों को ज़्यादा गुस्सा है. अगर वो, उन लोगों का कहना ये भी है कि अगर वो मुस्लिम थी तो उसको लड़के को मुस्लिम बनाना चाहिए था, फिर शादी करना चाहिए था, फिर हम उसके बाद हैप्पी रहते. तो ये तो पाकिस्तान नहीं, देखिए प्रैक्टिकलिटी एक चीज होती है. मैं बड़ी बातें करूंगी, ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकल, मैं पाकिस्तानियों का माइंडसेट बता रहा हूं आपको. प्रैक्टिकलिटी होना बहुत जरूरी है, हम प्रैक्टिकलिटी होना जरूरी. मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मुझ पर ये चीज फर्ज है कि मुझे जो फेलो मुस्लिम्स है उनको बताना है कि ये चीज सही करो. वो तब मुझ पर अप्लाई होता है जब मैं खुद सही कर रही हूँ, तब जाके मैं दूसरे को समझा सकती हूँ. समझाना भी क्या है, प्रस्ताव रखना है, मुझे फोर्स नहीं करना है दूसरे को. अच्छा, अब अगर किसी ने इस्लाम छोड़ा है, ठीक है, किसी ने अपने दीन को छोड़ा या इस मजहब को छोड़ा, तो उसको बहुत नाम देते हैं, मुर्तद कहते हैं, नॉन काफिर कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, ठीक है, तुमने उसने छोड़ा तो छोड़ा, ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम उसको मार दो. जी. क्योंकि तुम थोड़ी फरिश्ते हो, मैं थोड़ी फरिश्ता हूं ना उस बिल्ला, तो मैं उसको मार दूं. मैंने खुद पता नहीं कितनी गलतियां की होंगी, या किसी और इंसान ने पता नहीं खुद कितनी. तो अगर किसी ने इस्लाम को छोड़ा, दीन को छोड़ा, उसके बाद अल्लाह तला देखेंगे. जी जी, ऊपर वाला देखेगा, जो भी देखेगा दो, वो देखेगा ना, मेरा क्या काम है उसकी, अल्लाह तला देखे. अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना कि इन लोगों को खुदा की खुदाबंदी में दखल अंदाजी करने का मौका, मतलब वो है ना कि इनको लगता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम ही उसको मार सकते हैं, इसको मार सकते हैं. सीमा 8 साल की बच्ची तो है नहीं, 10 साल की बच्ची नहीं है, 11 साल, 12 साल, 20 साल की भी नहीं, शी इज 27 ईयर्स ओल्ड. एक ग्रोन अप वो वुमन है ना जिसके 4 बच्चे हैं. आप दिन ब दिन जितने बढ़ते हो आपकी अकल आती है, आपका तजुर्बा बढ़ता है, तो दैट मीन्स शी इज कॉन्शियस एंड कॉशियस कि वो क्या कर रही है.
वो अगर पाकिस्तान में प्लॉट बेची है तो कॉन्शियसली बेचा है, किसी ने उसको नहीं बताया। सचिन पाकिस्तान नहीं गया था तो उसने कॉन्शियसली बेचा है, फिर नेपाल गई है, फिर दुबई गई है और कॉन्शियसली दुबई पहुंची है, बच्चों को बाजाबता उठाया है, नेपाल पहुंची है बाजाबता, वहां से आके इलीगली एंटर। और उनके इंटरव्यू से ये मालूम होता है कि वो बहुत चालाक है, चतुर है, जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे मुझे ऐसा लगा कि बहुत चालाक है, बहुत चालाक है जी। और एक चीज और मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी है, उसका जवाब भी आप अच्छी तरीके दे सकते हैं। एक बीबीसी का इंटरव्यू है, बीबीसी वालों ने भी इंटरव्यू लिया, लगभग ऑलमोस्ट सभी चैनल ले चुके हैं उसका इंटरव्यू। तो उसने एक सवाल किया कि आप मुस्लिम हैं प्रैक्टिसिंग, आज से पहले तो मुस्लिम ही थी पाकिस्तान में थी जब तक, तो कि कलमा पढ़ के सुनाओ कुछ, मतलब जो भी आपकी आयतें होती है, जो मतलब ऑलमोस्ट हर मुस्लिम को पता होती है, चाहे वो छोटा बच्चा भी होगा 7-8 साल का, तो हाँ, और कलमा तो लगभग हर मुस्लिम को याद होता है, चाहे जी जी। तो उसने एक भी नहीं सुनाया, एक भी नहीं बताया, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो उसको याद मतलब नहीं था, रीजन क्या? हाँ, रीजन क्या है? नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, अब वो जो कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो बचपन से पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे मैंने बचपन में पढ़ा है, मेरा एक स्कूल ऐसा था वहां पे जब हम जाते थे तो पहली क्लास कुरान की होती थी, वहां पे कुरान पढ़ाते हिफ्ज करवाते थे, सो दैट आपको जो बेसिक चीज है वो एटलीस्ट याद, जैसे सूरा है आपको नमाज पढ़नी है उसमें आपको सूरह जो है वो पढ़ते हो आप, तो वो आपको जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि नमाज के दौरान आप कुरान खोल के नहीं देख सकते, आपको नमाज पढ़नी है तो आपको जबानी हिफ्ज होना चाहिए, तो आप पढ़ोगे। जैसे 6 कलमे हैं वो आपको याद होने चाहिए, या 4 कुल है, या आयतुल कुर्सी है, या बाकी चीजें हैं, दाई कुनूद है, बाकी चीजें हैं, ये कुछ चीजें जो आपको कंपलसरी के याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मतलब कुरान पढ़ नहीं पाते, या उनको हिफ्ज नहीं होता, या कर नहीं पाते, या मतलब उनको याद नहीं रहता है ना, जैसे पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं पढ़ाई में, अच्छे उनको याद रहता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको याद नहीं रहता है। एक ये रीजन हो सकता है, उस वजह से उसको याद नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। हाँ, या दूसरा ये हो सकता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, उसको मुस्लिम बता रही है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और एक और सवाल मेरे है, मतलब एक पाकिस्तानी, मतलब मैं मोस्टली मेरा काम ही पाकिस्तान के ऊपर है, आपको पता है, तो मैं पाकिस्तानी कंटेंट ही कंज्यूम करता हूँ, और आज इस पे काफ़ी वीडियो थे, पाकिस्तानियों ने भी बनाना शुरू किए हैं, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बनने लग गए। अब पाकिस्तानी पता है पाकिस्तान की तरफ से मोस्टली जो अटैक किया जा रहा है हिंदुस्तान पे, तो ये किया जा रहा है कि ये लड़की है ना रो ने प्लांट की है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो जो लड़की है सीमा वो ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के ऊपर तथा वो क्या बोलते हैं जुल्म होता है, उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं, जुल्म होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको मतलब उनके घर में उनको हक नहीं दिए जाते, दो दो तीन तीन शादियां होती है, हलाले किए जाते हैं, मतलब जो पाकिस्तान के मतलब जो एक कल्चर है, जो माहौल, तो उसके ऊपर जो वो बोल रही है, तो वो पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन है, ये सिर्फ इस्लाम को और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए रोह ने प्लांट किया, और पूरा का पूरा मीडिया उसके ऊपर छोड़ दिया है, और उसके घर के बाहर एक एक कदम पे मीडिया वाले बैठे हुए हैं, ये सिर्फ रो की साजिश है। सीरियसली, ये पाकिस्तान की मीडिया में डिबेट चल रहा है, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में। देखिए देखिए देखिए, ऐसे लोगों से उनका कॉमन सेंस, जिनका बेड़ा गर्क हो चुका है, उनसे आप यही कॉमन सेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें नो, देयर इज नो वंडर कि वो ऐसा सोचते हैं। मगर मुझे आप बताइए, या जो भी ऑडियंस देखते हैं, रॉ, हमारी रॉ एजेंसीज जो है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, अच्छा वो इतनी बेकार है, वो एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हैं उसको बोलेंगे तुम ऐसे प्लान करो, और फिर सचिन के जरिए से, सचिन कहाँ रहता है? नोएडा में किसी गांव में रहता है, और मतलब वो बहुत मतलब पीछे, उतना भी नहीं है कि मतलब मेन सिटी में कहीं रहता है, मतलब रॉ की, मतलब ठीक है, रॉ ने इसको प्लान किया, फिर पकड़ा, और अब पूरा मीडिया के सामने, मतलब यही रॉ, हमारी इंटेलिजेंस यही है कि मतलब आप उसको पूरे मीडिया के सामने लाए, तो ये मतलब पाकिस्तानियों का लॉजिक है इनकी। अच्छा, जो सीमा ने कहा है कि वहाँ औरतों के ऊपर ये हो रहा है, वो तो हमने रिसेंटली ही देखा, वहां पे जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो गई थी, कैसे घसीट के लेकर जा रहे थे वो औरतों को। हाँ, जो मतलब एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, जहाँ मतलब एक औरत की इज्जत उसका दुपट्टा होता है,
ठीक है, आप उसी का दुपट्टा उतार उतार के उसको घसीट के ले जा रहे हो, और फिर कहते हैं को ये रॉ की साजिश है, वो हमें बदनाम करना चाहते हैं, और हमेशा ये इस्लाम को लाएंगे बीच में, खुद कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इनके वीडियोस आप जाके देखिए, जो भी यूट्यूबर्स बनाते हैं, आप देखिए पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी क्या है, ना ये खुद बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे इस्लाम को, ना ये नमाज पढ़ेंगे, ना इनको पता है किसी चीज का, ना दीन का पता, ना दुनिया का पता, सिर्फ खाने में लगे हैं, खा खा के इधर दिमाग में चर्बी चढ़ गई है, और पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या बोलना है, कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आगे भी आपके साथ बात होगी। थैंक यू सो मच। अनिका निसार जी का भी अपना यूट्यूब चैनल है, और वहाँ पर भी अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहती है, खास तौर से ब्लॉगिंग वीडियो डालती है, कश्मीर की खूबसूरती भी दिखाती है, और कुछ करंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो डालती रहती है। तो जरूर से इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, स्वागत है आपका। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच अनिका जी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम।